हाय, स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम सीखेंगे बनाना बिटर गोर्ड फ्रिटर्स इन कोंकणी स्टाइल। इसे कहते हैं द कराटे बाजो। इसमें हम डीप फ्राई करेंगे बिटर गोर्ड को चावल और भारतीय मसालों के बैटर में और फ्राई करेंगे जब तक कि ये हो जाए क्रंची और क्रिस्पी। आइए देखते हैं क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए बिटर गोर्ड फ्रिटर्स, जिसके लिए मेरे पास है करेले की पतली स्लाइसेस जिनको मैंने भिगोया था नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए और फिर छान लिया है, और एक कप चावल जिसको मैंने भिगोया हुआ है पानी में लगभग 30 मिनटों से, सूखी लाल मिर्च, इमली का पल्प, नमक और तेल पकाने के लिए। आइए बनाते हैं बैटर बिटर गोर्ड फ्रिटर के लिए। इसके लिए मैं डालूंगी ये भिगोए हुए चावल मिक्सी जार में, मैं डालूंगी सूखी लाल मिर्च, इमली का पल्प, हम डाल रहे हैं इमली ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए करेले का कड़वा स्वाद, मैं डालूंगी थोड़ा नमक इसमें और फिर मैं डालूंगी पानी और बना लूंगी गाढ़ा पेस्ट इसमें से। पैन में मैं डालूंगी थोड़ा तेल, हमें लगेगा ज्यादा तेल क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं। अब तेल गर्म हो चुका है, हम चेक करेंगे कि ये ठीक गर्म हुआ है कि नहीं फ्राई करने के लिए, जिसके लिए मैं लूंगी एक छोटा सा ड्रॉप बैटर का और डालूंगी इसको तेल में, और अगर ये फ्लोट होता है इसका मतलब है तेल तैयार है डीप फ्राइंग के लिए। अब मैं क्या करूंगी कि मैं लूंगी ये करेले की स्लाइसेस और मैं इन्हें डिप करूंगी बैटर में और इन्हें हल्के से ड्रॉप करूंगी तेल में। हम इसे फ्राई करेंगे मध्यम आंच पर क्योंकि हम नहीं चाहते कि करेले जल जाए। एक बार ये हो जाए क्रिस्पी और क्रंची, मैं इसे निकाल लूंगी एक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर। अब हम फ्राई करेंगे अपना नेक्स्ट बैच। ये कराटे बाजो या बिटर गोर्ड फ्रिटर्स अब तैयार हैं सर्व करने के लिए। यूजुअली इसे खाए जाते हैं दाल और चावल के साथ, आप इसे खा सकते हैं चाय के साथ भी। जरूर बनाइए ये बिटर गोर्ड फ्रिटर्स या कराटे बाजो कोंकणी स्टाइल अपने घर पे। मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगी ये क्रिस्पी क्रंची स्वादिष्ट फ्रिटर्स आपके मेन कोर्स के साथ या तो फिर एज अ टी टाइम स्नैक।